हेलो स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कि बायोगैस है उसके प्रोडक्शन में भी हम इनका यूज करने लग रहे हैं माइक्रोब्स का यूज करने लग रहे हैं उनका भी रोल आता है बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर ठीक है आप कह रहे हैं बायोगैस क्या होता है बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज कि कई गैस हैं उनका मिक्सचर है जो प्री मेनली किस चीज़ को कंटेन करता है कौन सी गैस को कंटेन करता है कंटेनिंग प्री मीथेन मिथेन प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी तो उस मिक्सचर ऑफ गैस में मेन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी मीथेन कैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी से एंड विच मे बी यूज एज फ्यूल और उसको हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस होने लग रही है उसको ठीक है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से परफॉर्म होने की वजह से कह रहा यू हैव लर्न दैट माइक्रोवस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो जब खुद की ग्रोथ कर रहे होते हैं मेटाबोलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या बनाते हैं कुछ एंड प्रोडक्ट बनाते हैं कैसे एंड प्रोडक्ट बनाएंगे गैसियस एंड प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ ठीक है तो ऐसे ही हम माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करा के बायोगैस की प्रोडक्शन कर सकते हैं कि जब वो अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म करेंगे तो उसमें वो एंड प्रोडक्ट बनेगा जिसमें किसकी प्रोडक्शन भी हो रही होगी मिथेन प्रोडक्शन हो रही होगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ठीक है तो अब कर द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोव्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज अब कौन सी गैस का प्रोडक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हम कौन सा माइक्रोव्स यूज कर रहे हैं साथ में वो माइक्रोव्स किसको एज ए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए ठीक है वो अपनी ग्रोथ और मेटाबोलिज्म के लिए किसको एज ए सबस्ट्रेट यूज़ कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्शन होगी कौन सी गैस की प्रोडक्शन होगी और दूसरा माइक्रोव जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होता है जैसे कह रहा है इन द एग्जांपल साइटेड इन द रिलेशन टू फर्मेंटेशन जैसे फर्मेंटेशन करते हैं डो का चीज़ मेकिंग में या बेवरेज प्रोडक्शन में तो उन सारों में जितने माइक्रोव्स यूज हो रहे हैं उनका मेन गैस वो कौन सी मेन गैस प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे सी प्रोडक्शन करते हैं तो फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में अल्टीमेटली कौन सी गैस का प्रोडक्शन होएगा सी ओ टू का प्रोडक्शन होगा ठीक है उसमें मीथेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा बट कह रहे हाउ एवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो अन एरोबिकली कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कौन सी कंडीशन में ग्रो करें एरोबिक कंडीशन में ग्रो करें और कौन से रॉ मटेरियल क्या हो उनके लिए ऑन सेलोलॉजिक मटेरियल सेलुलोज को वो एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करें सेलुलोज को एज ए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज करें तो सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एरोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल अगर एरोबिकली सेलुलोज मटेरियल पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन अलोंग विद सीओ टू एंड एच टू तो वो इसकी प्रोडक्शन करेंगे सी एच फोर की किसके साथ सी ओ टू और एच टू के साथ या एच टू एस पी बोलते हैं उसके साथ इसकी प्रोडक्शन होने लग जाएगी तो इस केस में देखा कि डिपेंड कर रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो अनएरोबिकली ग्रो करेंगे सेलुलोजिक मटेरियल पे ये भी डिपेंड है कि किसको वो एज ए रो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तब वो किसकी प्रोडक्शन करने लग रहे हैं मीथेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं सी ओ टू के साथ में ठीक है तो दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कोल्ड मिथेनोजन्स इन बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है मिथेनोजन्स बोला जाता है जो मिथेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर वो एंड वट्स वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनो बैक्टीरियम इसका एक एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया का जो मिथेनोजन की कैटेगरी में आता है वो कौन है मिथेनो बैक्टीरियम जो इसकी प्रोडक्शन कर रहा है अब है फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाई ये वाला बैक्टीरिया की प्रेजेंस कहाँ पे दिखती है तो दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन अनैरो स्लज डाइजेस्टर जो हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अनैरोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है जिसके अंदर अनैरोबिक कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो जो बैक्टीरियल फ्लोक होता है उसको वो कंज्यूम कर जाते हैं तो वहाँ पे एक तो इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है कि दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन अनैरो स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट में दिखे थे और कहा मिलेंगे इसके अलावा दूसरी पोजीशन का क्या बता रखी इन बैक्टीरिया की कि दीज बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन रूमन रूमन क्या है पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल कैटल का जो स्टमक है उसका एक पार्ट होता है रूमन वहाँ भी इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस मिलती है ठीक है फिर वहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि लोट ऑफ सेलुलोज सेलुलोजिक मटीरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमन तो काफ़ी सेलुलोजिक मटेरियल है वो कैटल का फूड हो सोर्स होता है तो वो प्रेजेंट मिलेगा कहाँ पे उनके र्यूमन में प्रेजेंट मिलेगा वो सेलुलोजिक मटेरियल अब र्यूमन में ये बैक्टीरिया उस कैटल की क्या हेल्प करेंगे इन र्यूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज उस सेलुलोज के ब्रेकडाउन में ये रोल प्ले करेंगे एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल तो वो ब्रेकडाउन होएगा कैटल का तो वो हेल्पफुल है उस ब्रेक डाउन होगा अगर सेलुलोज का तो वो हेल्पफुल है कैटल के न्यूट्रिशन के लिए ठीक है तो ये उनका रोल है जो वो प्ले करते हैं इनटू टू द र्यूमन पार्ट ऑफ कैटल कि ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज में हेल्प करेंगे और उसके न्यूट्रिशन में ओवरऑल हेल्प करेंगे इसके अलावा र्यूमन के अलावा वो कहाँ भी मिलेंगे अनैरोबिक्स स्लज डाइजेस्टर में मिलते हैं वहाँ भी वो बायोगैस प्रोडक्शन करा रहे होते हैं एक एग्जांपल कौन सा है मिथेनो ठीक है ये वाला है उसके बाद कह रहा है डू वी डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड कि अगर हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर सेलुलोजिक मटीरियल है तो क्या ह्यूमन्स एबल हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए तो ह्यूमन्स इसको डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक डाउन करने में एबल नहीं है क्योंकि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोजिक मटेरियल को ठीक है फिर कह रहे हैं दस द एक्सक्रीटा जो डंग है कैटल का कॉमनली जिसको क्या बोला जाता है गोबर बोला जाता है वो क्या मिलेगा इज रिच इन दीज बैक्टीरिया उसके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट मिलेंगे उसके डंग में अब कह रहे हैं डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कोल्ड गोबर गैस तो फिर बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर जो कैटल का डंग है उसको हम यूज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं बायोगैस की जिसको क्या भी बोल देते हैं गोबर गैस भी बोल देते हैं जो एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें पहली लाइन बता रहा है बायोगैस क्या है वो मिक्सचर ऑफ गैस हैं जिनमें प्रीडोमिनेंटली फॉर्म में प्रीडोमिनेंट फॉर्म में कौन सी गैस प्रेजेंट मिलेगी मीथेन मिलेगी और ये प्रोड्यूस क्यों हो रही है माइक्रोबियल एक्टिविटी से और इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि ये यूज होती है एज ए फ्यूल सोर्स यूज हो रही है ठीक है अब डिफरेंट गैसेस एंड प्रोडक्ट बनते हैं जब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है लेकिन कौन सी गैस प्रोड्यूज हो रही होगी वो किस पे डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोव्स हम यूज कर रहे हैं और क्या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो यूटिलाइज कर रहा है बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के टाइम पर और जैसे देखा गया है फर्मेंटेशन करते हैं अलग अलग चीज़ें बनाने में चीज़ मेकिंग में, में बेवरेज बनाने में डंग में तो इन सब में मेन क्या प्रोड्यूस होता है सी ओ टू की प्रोडक्शन होती है ठीक है इन सब में लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो किसको कंज्यूम कर रहे हों सेलुलोजिक मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हों उस पर ग्रो कर रहे हों एरोली तो वो किसकी प्रोडक्शन करते हैं लार्ज अमाउंट में मीथेन की प्रोडक्शन करेंगे साथ साथ में सी ओ टू और एच टू की प्रोडक्शन करेंगे तो इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं मिथेनोजन्स बोल देते हैं और उसका एक कॉमन एग्जाम्पल क्या याद करना है मिथेनो बैक्टीरिया फिर है कि ये मिलेंगे कहाँ कहाँ मिलते हैं ये बैक्टीरिया की कॉमनली प्रेजेंट कहाँ मिलेंगे तो एक तो देखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अनैरोबिक्सल डाइजेस्टर के अंदर प्रेजेंट थे उसके अलावा ये मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे इन द र्यूमन ऑफ कैटल वहाँ भी प्रेजेंट मिलेंगे और र्यूमन ऑफ कैटल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे कि र्यूमन ऑफ कैटल के अंदर काफ़ी अमाउंट में सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो फूड में आता है तो उसको ब्रेक डाउन करने में उस सेलुलोजिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में ये बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन हो पाएगा सो so दैट उसके कैटल के न्यूट्रिशन में वो हेल्प कर रहे होंगे ठीक है उसके बाद कह रहा है क्या ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकती है जो अपने फूड में प्रेजेंट है तो ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद कह रहा है ये जो फिर कैटल का जो एक्सक्रीटा मटीरियल होता है उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो हम उस डंग को यूज कर सकते हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए गोबर गैस की प्रोडक्शन के लिए जिसमें मेन कौन है मीथेन की प्रोडक्शन होगी ठीक है इसके बाद कह रहा है कि बायोगैस जो प्लांट लगाते हैं बनाते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है तो कह रहा है द तो बायोगैस प्लांट ए कॉन्क्रीट टैंक एक कॉन्क्रीट टैंक मिलेगा कितना फीट डीप टेन टू फिफ्टीन फीट डीप मिलेगा इन विच जिसके अंदर हम क्या कलेक्ट करके डालेंगे इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड ए स्लरी ऑफ डंग इज फैट ठीक है उसमें सारा बायो वेस्ट कलेक्ट करके डालना है और उसके अंदर जो डंग है उसका एक स्लरी उसका पार्ट ऐड करना है उसके अंदर फिर कह रहा है ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस ओवर द स्लरी उस स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगाया जाता है विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूज इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी तो ये एक कवर इसको फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर किया जाता है इसके अंदर सारा बायोवेस्ट और डंग डाल दिया जाता है उसके बाद अब इस डंग के अंदर क्या प्रेजेंट है मिथेनो बैक्टीरियम प्रेजेंट है ठीक है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो जब इस सारे पे सारे के ऊपर अन ग्रो करेंगे तो वो कौन सी गैस की प्रोडक्शन करेंगे मिथेन की प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कितना अमाउंट बन रहा है लगभग फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट वो मिथेन प्रोडक्शन करेंगे साथ में सी ओ टू प्रोडक्शन भी होती है और एच टू एस भी प्रोडक्शन होती है ठीक है तो जब ये इसके अंदर गैस की प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी तो ये जो फ्लोटिंग कवर है वो क्या करने लग जाएगा राइज करने लग जाएगा ठीक है तो विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूज इन द टैंक और वो क्यों गैस प्रोड्यूज हो रही है ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रोड्यूस होने लग रही है और द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज़ कनेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेस तो ये सारा ये जो अप्रेटर्स है बायोगैस प्लांट का ये किससे कनेक्ट है एक इससे आउटलेट निकलेगी जो एक पाइप के थ्रू और जिससे गैसी जो प्रोडक्ट है वो नीयर बाई हाउसेस के अंदर जा रहा होगा ठीक है तो उस गैस को कलेक्ट करने का मैकेनिज्म डेवलप है उसके बाद है जो स्पेंट स्लरी बच गई यूज होने के बाद जो स्लरी बच गई उसको क्या कर लिया जाएगा इज रिमूव थ्रो अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर तो अब जो यूज हो चुका रॉ मटेरियल जिसमें ब्रेक डाउन हो चुका उस सारी स्पेंट स्लरी को यूज़ कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे और किस फॉर्म में यूज कर लेंगे उसको एज ए फर्टिलाइजर सोर्स उसको यूज कर लेंगे ठीक है क्योंकि उसके अंदर अब इनऑर्गेनिक साल्ट uh, की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट मिलेगी जो कि फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज हो सकता है ठीक है अब कह रहे हैं इसके लिए आपको कैटल डंग की ज़रूरत है तो कह रहे हैं कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया वेयर कैटल्स आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज़ तो जहाँ कैटल ज़्यादा अच्छा मेन पर्पज़ के लिए काफ़ी अमाउंट में यूज हो रहे हैं प्रेजेंट हैं रूरल एरिया में तो वहाँ पे डंग की प्रेजेंट भी मिल सकती है लार्ज क्वांटिटी के अंदर सो so, जो बायोगैस प्लांट है उसका ज़्यादा यूज ज़्यादा वर्किंग सिस्टम कहाँ डेवलप किया जा सकता है रूरल एरिया में ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जा सकता है तो कह रहा है सो so, बायोगैस प्लांट आर ओफ़न मोर ओफ़न बिल्ट इन रूरल एरिया में ज़्यादा इनको बिल्ट किया जाता है और द बायोगैस दस प्रोड्यूज वो किस में यूज होगी जो बायोगैस ऐसे प्रोडक्शन हो रही है द बायोगैस दस प्रोड्यूज इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पज़ के लिए उस बायोगैस को यूज़ किया जा सकता है और कह रहा था पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज ऑन इन फिगर टेन पॉइंट एट तो ये दिखा रखा है तो इसके अंदर सारा बायो वेस्ट ऐड किया साथ में उसमें डंग वाटर मिक्स करके डाला गया और इस सारे के ऊपर फिर अनैरो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होएगा उस सारे स्लरी का और उसके बाद किसकी प्रोडक्शन होएगी मीथेन की प्रोडक्शन होएगी हो साथ में सीओ टू प्रोडक्शन होगी और ये फ्लोटिंग कवर क्या करने लग जाएगा राइज करने लग जाएगा ये कनेक्टेड मिलेगा एक पाइप से जिसके थ्रू गैस का कलेक्शन किया जा रहा होगा और जो इसमें स्पेंट स्लरी बच गई उसको बाहर निकाल लिया जाएगा और कैसे यूज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र उसको यूज किया जाएगा ठीक है और जो रूरल एरिया है वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी फॉर्मेशन इसका प्रोसेस ज़्यादा फॉलो किया जा सकता है अच्छे से क्योंकि डंग की अवेलेबिलिटी रूरल एरिया में ज़्यादा रहती है ठीक है फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ कि इंडिया के अंदर ये बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में किसका मेन रोल है किसका एफर्ट है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई उनका एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ठीक है इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है इस बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है इसके अंदर फिर कह रहा है इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन इन विलेज और नियर ए विलेज इट वुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ़ देयर आर एन ई बायोगैस प्लांट नियर बाई तो आप देख भी सकते हो कि उसकी कैसे वो वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे वो काम करता है कैसे उसका यूज़ करते हैं एंड विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग इट तो जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड उसका प्रोसीजर समझा सकते हैं कि कैसे उसकी वर्किंग है और उसका यूटिलाइजेशन है उसका प्रोडक्ट का